द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करें, जैसे कि मत्ती 5 उसके 40 अध्याय में लिखा, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जिसके पास दो कुर्ते हो वह एक उसको दे, जिसके पास एक भी नहीं और जिसके पास दो वक्त की रोटी हो वह एक वक्त की उसको दे। जिसके पास एक भी वक्त की रोटी नहीं है, और परमेश्वर ने यह भी कहा कि अपने पड़ोसी के साथ अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका पड़ोसी वही नहीं है जो आपके साथ रहता है, आपका पड़ोसी वह भी है जो जरूरतमंद है, गरीब है। जब आप उनकी मदद करते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होता है। जैसे ही आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलते हैं, आपको आशीषित करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में यह भी लिखा है कि अपना दशमांश लेकर परमेश्वर के घर में आए, और परमेश्वर आपको कभी भी गरीब नहीं रहने देगा। परमेश्वर के घर में जो भी आप बोएंगे वही आप काटेंगे, लेकिन कई बार परमेश्वर आपके पास जरूरतमंद को भेजता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी मदद करें, इसीलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को आपके पास भेजता है, लेकिन आप उसकी मदद नहीं करते। आप यह सोचते हैं कि हमने तो सिर्फ परमेश्वर के घर में ही बोना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करते थे, और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे अपना स्वभाव बनाना चाहिए। जब भी जरूरतमंद की मदद करे तो यह बोले कि मुझे तुम्हारे पास प्रभु यीशु ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ कि आप यह सोच रहे होंगे कि हम एक गरीब की मदद पैसे के साथ करेंगे तो फिर हम प्रभु के घर में कैसे बोएंगे। आप सिर्फ पैसे के साथ ही मदद नहीं कर सकते। आप अगर किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े लेकर दे सकते हैं, अगर कोई भूखा है तो उसे आप रोटी खिला सकते हैं, इसी तरह आप उसकी मदद कर सकते हैं। जरूरत के मुताबिक आप लोगों की मदद कर सकते हैं। जब आप दूसरों की मदद करेंगे तो आप अपने अंदर एक अलग ही शांति को महसूस करेंगे। यह सामीन, इसीलिए दूसरों की मदद करें, क्योंकि वचन हमें यही सिखाता है कि दूसरों की मदद करें, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं और अपने आशीष को पाते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आज आपने मुझे दिया। पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करूँगी और आपके नाम को ऊंचा करूँगी। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आमीन।